अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक फास्ट चार्जर किस तरह काम करता है। फास्ट चार्जर ये होता है जो कि आपके मोबाइल को बहुत ही स्पीड से चार्ज करता है, यानी आपके मोबाइल को जल्दी चार्ज कर देता है। अब वो मोबाइल को जल्दी चार्ज कैसे करता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब मोबाइल चार्जर दो तरह के आते हैं, एक तो ये नॉर्मल चार्जर है जिसपे आप ये चेक करें, इस चार्जर के ऊपर 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर लिखा रहा है, ये हमारा नॉर्मल चार्जर है लेकिन फास्ट चार्जर नहीं है। इसी तरह का एक और ये चार्जर देखें जिसकी आप आउटपुट पे देखें तो यहाँ पे 5 वोल्ट, 3 एम्पीयर, 9 वोल्ट, 2 एम्पीयर और 12 वोल्ट, 1.5 एम्पीयर लिखा रहा है। अब जिस चार्जर के ऊपर इस तरह की वोल्टेज रेंज लिखी आ रही हो इसके अंदर फास्ट चार्जर की ऑप्शन मौजूद होती है। अब फास्ट चार्जर समझने से पहले आप देख लें कि फास्ट चार्जर कहते किसे हैं। फास्ट चार्जर की टेक्नोलॉजी को क्विक चार्जर 2.0 कहा जाता है। इसमें वोल्टेज जैसे मैंने आपको दिखाया कि 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट होते हैं और इसमें मैक्सिमम जो करंट है वो 1.672 एम्पीयर, यानी कि 1.67 से लेके 3 एम्पीयर तक कोई भी एम्पीयर वो दे सकता है। ये डिपेंड करता है मोबाइल पे कि मोबाइल उसे कितना कंज्यूम कर रहा है। और इसके जो चार्जर होते हैं वो मैक्सिमम 18 वाट के होते हैं। अब आइए आप देखिए कि मोबाइल की कोई भी जो बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी अमूमन 3.8 वोल्ट यानी कि 3.8 वोल्ट की होती है और इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए 4.35 वोल्ट की जरूरत होती है। इसी तरह जनरल बैटरियां 3.6 वोल्ट की होती है जो कि नॉर्मली 3.6 से लेके 4.2 तक होता है, यानी कि जब बैटरी फुल हो जाती है तो 4.2 वोल्ट हो जाते हैं, तो मिनिमम इसके वोल्टेज 3.6 तक आ जाते हैं। तो अब आइए फास्ट चार्जर को देखते हैं किस तरह काम करता है। जैसा मैंने आपको दिखाया कि फास्ट चार्जर का अडॉप्टर है, अब क्या ये हमें 9 और 12 वोल्ट डायरेक्ट देता है, इस चीज़ को चेक करते हैं। तो ये मैंने अडॉप्टर सॉकेट में लगा दिया है, इसके ऊपर मैं यूएसबी टेस्टर लगाता हूं तो आप देखें कि इस टाइम हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि 4.96 तकरीबन 5 वोल्ट के करीब है, ये हमें 5 वोल्ट दे रहा है। अब हम इसकी आउटपुट पे कोई फास्ट चार्जर वाला मोबाइल लगा, तो ये मोबाइल फास्ट चार्जर है, इसमें यूएसबी सी है। तो आप देखें जैसे ही चार्जिंग पे लगाया है पहले तो 5 वोल्ट से स्टार्ट हो गया है जो कि 5 वोल्ट और 1 एम्पीयर। अब इसको सिग्नल मिल गया है जिसकी वजह से आप देखेंगे वोल्टेज इस टाइम 8.94 यानी कि तकरीबन 9 वोल्ट और 1 एम्पीयर पे ये मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो अगर मैं इसकी पावर चेक करूँ इस टाइम तकरीबन 9 वाट पे ही चार्ज हो रहा है। तो आप देख लें 8.94 जो जो बैटरी फुल होती जाएगी एम्पीयर जो है वो कम होते जाएंगे। अब इसी तरह मैं आपको सिंपल मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ, यानी कि जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद नहीं होती। हालांकि देखें जो चार्जर है ये फास्ट है लेकिन जब इसमें सिंपल मोबाइल लगाया जाता है तो आप देखें सिर्फ 5 वोल्ट और 0.98 तकरीबन 1 एम्पीयर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है 5 वोल्ट पे, क्योंकि हम फास्ट चार्जर वाले मोबाइल अपने अंदर से एक सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि इस चार्जर को देते हैं, उसके बाद ये चार्जर जो है फास्ट चार्जर पे काम करता है। और अगर यही मैं दोबारा फास्ट चार्जर पे लगाऊं तो आप फिर देखें कि 8.94 वोल्ट 1 एम्पीयर के करीब उस मोबाइल को चार्ज कर रहा है। आइए मैं एक और मोबाइल को लगाता हूँ सॉकेट में जो कि फास्ट चार्जर है, तो आप देखें और जब मैं इस यूएसबी टेस्टर लगाता हूँ तो 4.96 यानी 5 वोल्ट 0 एम्पीयर है। तो जैसे ही मैं फास्ट चार्जर कनेक्ट करता हूँ चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप देखें कि इस टाइम 5 वोल्ट और 1 एम्पीयर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद चार्जर सेंस कर लेता है कि मोबाइल फास्ट चार्जर है, तो फास्ट चार्जर वाला अडॉप्टर अपने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो अब आप देखें कि इस टाइम 6.39 वोल्ट 2.64 एम्पीयर यानी कि 6 वोल्ट तकरीबन 3 एम्पीयर से थोड़ा कम ही मोबाइल को चार्ज कर रहा है। तो आप देखें कि कुछ देर बाद भी तकरीबन 6.40 वोल्ट और 2.77 एम्पीयर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें फास्ट चार्जर की ऑप्शन मौजूद है। फास्ट चार्जर का मेन कंसेप्ट इस तरह होता है कि ये ज़्यादा वोल्ट देता है मोबाइल को और मोबाइल क्या करता है उस वोल्टेज को एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि मोबाइल बैटरी को 4.2 वोल्ट चाहिए होते हैं चार्ज होने के लिए, लेकिन अगर आपका फास्ट चार्जर पीछे से 12 वोल्ट देता है तो वो मोबाइल क्या करता है मोबाइल के अंदर ऐसा सर्किट मौजूद होता है जो कि उस 12 वोल्ट को लेके 4.2 में कन्वर्ट करता है और जो बाकी वोल्टेज होते हैं उसको एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मैक्सिमम 4.2 वोल्ट और 3 एम्पेयर पे आपके बैटरी को चार्ज करता है। हालांकि आपका फास्ट चार्जर 3 एम्पेयर नहीं दे रहा होता, आपका फास्ट चार्जर 12 वोल्ट 1 एम्पेयर दे रहा होता है, लेकिन जो वोल्टेज एक्स्ट्रा होते हैं मोबाइल में ऐसा सर्किट मौजूद होता है जो कि उसको एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है। इससे होगा क्या कि आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। फास्ट चार्जर की ऑप्शन आपके मोबाइल में होती है, ऐसा नहीं हो सकता आप एक फास्ट चार्जर ले लें और कोई भी मोबाइल लगा के उसको चार्ज कर लें। अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में भी फास्ट चार्जर की ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए, जिसे नॉर्मली क्विक चार्जर 2.0 कहा जाता है। अगर मोबाइल में भी फास्ट चार्जर की ऑप्शन मौजूद होगी तो फिर ही आपका मोबाइल फास्टली चार्ज होगा। अगर आप फास्ट चार्जर के ऊपर कोई नॉर्मल मोबाइल लगा देंगे तो वो 5 वोल्ट पे ही चार्ज होगा, क्योंकि वो अडॉप्टर आपको 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देगा। और इस वीडियो के अंदर जो यूएसबी टेस्टर मैंने इस्तेमाल किए हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस यूएसबी टेस्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि फास्ट चार्जर किस तरह काम करता है। आने वाले वक्त में मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे।
इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।